नमस्ते एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मुझे जाना है अपनी बुआ के घर, वो वाली नहीं जो रक्षाबंधन पे मिली थी, उनसे दूसरी वाली बुआ। तो मैं जा रही हूँ और मैंने सोचा आपको भी घुमा दूँ, तो चलते हैं और मिलते हैं बुआ के घर पे जाकर। चलो गाइस, जितने पापा गाड़ी निकाल रहे थे, मैं और आरू झूला झूल रहे हैं। ये है कितना खुश। चलो आप लोगों को चक्कर दिलवाती हूँ। आरुबास, गाइस अगर आप लोगों को नहीं पता ये क्या है तो बता दूं कि ये एक चमगादड़ है जो कि सोया हुआ है। ये बुआ मिल गई। बुआ बोल रही है कि मैं को जब ठीक से हो जाऊँ तब लियो कैमरे में, और मेरे को छोड़ के ये आरू को प्यार करते हुए। आहा, मैंने मस्त 2 घंटे की नींद मारी है और टाइम हो चुका है फाइनली लंच का। और मैंने कहा था कि बुआ छोले भटूरे बनाना, तो मेरी बहन ने छोले भटूरे बनाए हैं और हो रहे वो दोनों मम्मी और बुआ लगे पड़े। मम्मी और बुआ प्यार से एकदम साथ में खाना बनाते हुए, मैं खाना खाते हुए। पता है अभी ना प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे फ़ोन में आवाज़ ही नहीं आ रही थी, पता नहीं कैसे। इवन जो पहली वाली वीडियोज़ है ना, जो मैंने उस पर ओवर क्या बोलते हैं वॉइस ओवर किया है, अपने आप ही मैं सुबह को उठी, जो पुरानी वीडियोज़ में जो मैंने अभी रिकॉर्ड की ना आज सुबह में, उनमें आवाज़ ही नहीं आ रही थी मेरी बड़ी, पता नहीं अचानक से। उसके बाद अब मैंने अपना फ़ोन, मैंने भी पहले दिमाग में लगाया फ़ोन अब जाके रीस्टार्ट किया, इससे तो मतलब रीस्टार्ट कर लेती मैं भी ना। मैं अपने घर वालों को भी सजेस्ट कर रही थी कि अगले साल मेरे बर्थडे पे आने वाला है, अगला साल तो सब लोग ना, अगर सब लोग 5,000 की कॉन्ट्री भी करेंगे तो मेरे को लेटेस्ट आईफोन मिल सकता है। इतना बड़ा तो खानदान है, मैं केक खिलाऊंगी। तो इतना तो कर ही सकते हैं आप मेरे है। बताओ जल्दी, देखो सोचना सब, अगर 5,000 भी नहीं तो 3 दिन की अगर सब कंट्री करेंगे, अगर हमें हमारे ब्लॉग बना के हमें फेमस करें और देखना ही नहीं। अच्छा तो पहले तो फिर आईफोन लेना पड़ेगा ना, क्वालिटी वाइज ऊपर जाती है रीच, उसके बाद ठीक है सबके डन, पहले दिला दो उसके बाद देखेंगे आगे का। सही बात है, सही बात है। हाय गाइस, फ्रॉम मी एंड माय न्यू फ्रेंड। ओ इधर देख, कहाँ देख रहा है तू? हाय बोल। अरे चंदू हाय बोल, गाइस मीट चंदू। बेड नहीं आएगा, बंक बेड की समझा दियो सर, कैसे रहते हैं? बंक बेड हो गया यू तो बताओ पहले। नीचे जो हैं डबल बेड कह रहे हैं, मुझे ना पसंद तो मुझे भी है पर नाम आज तक नहीं पता था कि बंक बेड बोलते हैं। लेकिन वो ना आने पहले जमीन पे लेट के रोके। बुआ मेरे बचपन की कोई बात बताओ ना, अपने यूनिफॉर्म वगैरह सब। एक मिनट, आपको मैं याद आ रही हूँ, मैं थी ओबीडियंट, मैं अपने सारे काम अपने आप सही से करती। देखा गाइस, मैं बचपन से बहुत सिंसियर हूँ, मैं भी करती हूँ। ये भी देखो, मैं अभी स्कूल से आई, मैं सारी यूनिफॉर्म उसमें रखी है। आज केवल आज रखी है, रोज यूनिफॉर्म मिलते हैं। नहीं जी, पता नहीं कैसे रखने में, ये तो सोच रही हूं। अरे मैंने अंदर बाथरूम में डाली क्योंकि कल मुझे अपनी वो वाली, क्योंकि 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 टेबल लगा के फिर भी ना रखी है। हाँ तो मम्मा गंदी ऐसी रख दूं, मुझे कल दूसरी यूनिफॉर्म पहन कर जानी है। दूसरी तो प्रेस कर पटर पटर यार, मेरी बात चल रही थी यहाँ पे, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं लोग। आना मेरे को, मैं तो उसे ये देख रही हूँ क्या पहना है ये कटा पिटा सा। बताओ तुझे भी, मेरे एपीयू कपड़े दिखाओ मेरे यार, इतने बढ़िया मैंने पहना है, ये ऐसे डिजाइन के पहना है, ये ऐसा लग रहा है बीच में
पहनती है फिर ऐसे तो दीदी हम भी कर लेंगे टी शर्ट का। पिछली वीडियो में बात की गई थी ना कि मैं आयरन लेडी बनूंगी, आयरन गर्ल, तो ये बस पंख आ चुके हैं। अगली वीडियो में आप लोग को उड़कर दिखाऊंगी, उड़कर कब दिखाऊंगी, प्रेस प्रेस वाली बनेगी आयरन लेडी। सब सैवेज है यहाँ पे, क्या मम्मी बोलती है प्रेस वाली बनेगी आयरन लेडी। 3, 2, 1 खींच। क्या करेगी यार, मतलब इन लोगों से ये मेरी माँ है, ये मेरी बुआ है, इनके साथ में 7 साल तक रही हूँ, एकदम पूरा पूरा इन्हीं के साथ रही हूँ। और मतलब यार इन लोगों को ये नहीं पता कि मैं बचपन में कैसी थी, क्या क्या करती थी। तो सुबह उठते ही वहाँ पहुँच जाती थी बाहर। इसको ना फीवर, गाइस इसको ना फीवर एकदम से अचानक आता था और बहुत तेज इसको फीवर होता था। मतलब मैं और मम्मी घबरा जाते थे और फीवर में ये बिल्कुल बातें करती थी, मतलब नींद में भी बोलती थी, दौरे पड़ते थे, अक्सर डर जाया करते थे इसको क्या हो गया। लेकिन फिर हाँ, फीवर इतना होता था कि 3-4 दिन पहले उसको उतरता नहीं था। यार ये इतनी सीरियस बात क्यों बता रही है बुआ। ये स्टार्टिंग से ही अपने चाइल्डहुड से ही बहुत ही फनी रही है, फनी। बहुत ही शरारती भी रही है, शैतान थी। मैं शैतान थी, पूरे मोहल्ले का पता लेके आती थी, वो तो सोशल थी, मैं शैतान थोड़ी थी। और हाँ, एक किचन और हमारा हॉल था, उस किचन से दूसरे कमरे में होती हुई हॉल में लेके 4-5 चक्कर लगातार और उस चक्कर को लगा के बहुत खुश हुआ करते थे। वो देख के मैं और इसकी दादी यानी इसकी अम्मा बहुत खुश होते थे। मम्मी आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो एक कहना चाहूंगी कि सुबह जब आप खुलती थी बाहर, कभी इधर पड़ोसी होगे कभी सामने वाले। ऐसे बता रही जैसे इनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। ये सब टीवी पर टेलीकास्ट होगा। ना ये सब सारे के सारे एकदम ऐसे कॉन्शियस है कि डलेगा ये व्लॉग, डलेगा डालेंगे ना। अरे बिल्कुल बिल्कुल डालेंगे। मम्मी एक बात बताओ, बचपन की अच्छी सी तारीफ वाली। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। अच्छी बात सोचने में टाइम लगा, कम है स्कूल में ज्यादातर। वो क्या बोलते हैं, मतलब आप ही रहती थी ज्यादातर, वो जो वहाँ पर जब बॉडी में वो करते थे, जब भी आप ही रहती थी वो बोलती थी एंकरिंग। हाँ आरू कहना चाहता है कि उस एक ये आरू कहना चाहता है कि मैं मतलब उसकी बहन बचपन से ही टैलेंटेड हूँ। और ये बिल्कुल झूठ है। हाँ मैं ये कहना भी चाहता कि कुछ अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि मैं ऑडी में एंकरिंग करती थी, इसका मतलब तो है ना टैलेंट है भाई, ऐसे हर कोई जाके थोड़ी ना एंकरिंग कर सकता है। क्लेचरों की जगह देखो ऐसी मिलेंगी। एक और मैंने बाहर पढ़ दी। मम्मी क्या किया आपने ये? अभी तो स्टॉपर था, स्टॉपर ही निकाल दिया। जितने भी यहाँ पे है हड़ो ऐसे मैं झूलूंगी। No. हड़ो Never. मैं पकड़ पकड़ के ऐसे उठा दूंगी। Never. चलो यार हटना, एक बार ही झूलने दो। Never. प्यार से हट गए तो आरू हट जा। हाँ लो मम्मी। यार कितना अच्छा लगता है ना ऐसा वाला झूला, घर में होना चाहिए। आदि आराम से भाई सारे छोड़ दे। बाय। फोन कर देना फोन। कहाँ है? बाय।
गाइस मैंने फिर से एक मस्त टंच नींद मार ली है। वेलकम टू गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मेरी आवाज को क्या हो गया? तो गाइज अभी मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ G20 को लेकर जो डेकोरेशंस हुई है दिल्ली, अरे बापरे दिल्ली NCR में, वो दिखाने के लिए एलिवेटेड रोड पर। आर यू गाइज रेडी? ऐसे मन मन में हाँ बोल दो। हाँ। ये तो अच्छा लग रहा है पूरे में ऐसे पिलर्स पे फ्लैग। तितलियां भी लगी हैं, एक एक पिलर छोड़ के ऑल्टरनेटिव पिलर्स पे तितलियां हैं। क्यों लगाई है ये फोन में? ऐसा क्यों दिख रहा है जैसे मैं बिना चश्मे के दिखता है मुझे? गाइस अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो ये जो पिलर्स हैं इन पिलर्स के ऊपर वो फ्लावर पॉट्स भी लगे हुए हैं, जैसे कि ये रहा नीचे देखा। हाँ ये यहाँ पे नीचे पेंटिंग भी है। मासी गाड़ी थोड़ी स्लो कर लो। वहाँ पे वेलकम भी लिखा। वाओ मतलब पूरी पे है और ये अभी हुआ है, मतलब काफी फ्रेश लग रहा है, ऐसे गंदा नहीं है पेंट। पेंट नहीं मतलब ये जो बाउंड्री है यार दिख नहीं रहा, हमारी लाइट आ रही है चिपकली जैसे ही है। चिपकली चिपकी हुई है इनकी गाड़ी पे लेकिन नकली है, मतलब हम लोगों का डेडिकेशन देखो लाइट बदल रहे हैं। चिपकली और सही ये देखो ना इनकी डिग्गी पे, डायनासोर जैसी चिपकली लेकिन है चिपकली। भगवान जी का पंख सा लग रहा है। नहीं नहीं डायनासोर या कुछ तो वो है, है। लेपर्ड है। देखो भाई नहीं ना ये चिपकली है, ये क्या है? चिपकली तो वो ये ब्लैक पैंथर है। अरे यार लो अब दिख गया मुझे, दूर से पता चिपकली लग रहा था, उसके बाद मुझे लगा कि ये डायनासोर है और ये एक्चुअल में पैंथर है। कहते ये आगे वाले भी एरोप्लेन बग हो गया यार, मैं तो बाय करने वाली थी। मासी मासी यार मैं तो बाय कर रही हूँ। ट्रैफिक कार अच्छा से चलाओ यार। दीदी कहाँ चलने दे रही है कुछ? अरे एरोप्लेन दे बाय बोरा गाइस बोरा एरोप्लेन बाय। आई होप आपको आज का ये छोटे-मोटे ब्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो लाइक द वीडियो एंड इफ यू टू माय चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट आल्सो एंड दैट बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माय वीडियोस। बाय बाय टेक केयर। वैसे भैया तो इतना ही दिखाना था गाइस, आज के लिए इतना ही, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए बाय।